Assalamu alaikum. Welcome to Medical Globe e-learning. I am Nayab Khalid. Now I will tell you about the guidelines of trypanosoma and remaining organisms of the blood and tissue protozoa. सबसे पहले हमारे पास trypanosoma. Trypanosoma cruzi जो है basically एक बहुत important SCQ है. आपने इसको पूरा का पूरा अच्छे से याद करना है. इसकी diseases, इसकी important properties, इसमें आपको पता होना चाहिए कि reduvid bug के through ये फैलता है और बाकी का सारा part आप important properties का read out करेंगे. पैथोजेनेसिस की बहुत इंपॉर्टेंट है. चेगास डिजीज की बकायदा सेपरेट एससीक्यू पूछा जाता है चेगास डिजीज के बारे में, उसकी पैथोजेनेसिस के बारे में पूरा का पूरा. तो ये पूरा आपने अच्छे से याद करना है. इसके क्लिनिकल फाइंडिंग्स के नेम्स आपको याद होने चाहिए, इसकी पैथोलॉजी पता होनी चाहिए सारी की सारी, ताकि जब आपसे वाइवा में पूछा जाए तो आप बता सके. रोमानास साइन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाइवा का. लैब डायग्नोसिस पूरा आपने रीड आउट करना है अच्छे से, इसके नेम्स आपने अच्छे से याद करने हैं. जीनो डायग्नोसिस एमसीक्यू में पूछा जाता है कि ट्राइपैनोसोमा में जीनो डायग्नोसिस होता है, इसके पीछे क्या पैथोलॉजी है और ये क्यों किया जाता है, ठीक है. इसका सारा मैकेनिज्म आपसे वाइवा में भी पूछा जाता है. नेक्स्ट चलते हैं. अब हम नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास चेगास डिजीज का लाइफ साइकिल. चेगास डिजीज का लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट है, आपको ड्रॉ करना और लेबल करना अच्छे से आना चाहिए. इसकी सारी डायग्राम्स आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए, ताकि इन केस आपसे वाइवा में पूछ लिया जाए या एमसीक्यू में पूछ लिया जाए तो आप अच्छे से इसको बता सकें. ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन आपने नहीं करना. फिर आपके पास ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंसी एंड ट्राइपैनोसोमा रोडिसिएंसी, ये भी आपका एससीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है. इसमें आपके पास स्लीपिंग सिकनेस आती है जिसकी पैथोजेनेसिस आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, इसका लाइफ साइकिल आपको अच्छे से पता होना चाहिए. इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को आप रीड आउट करेंगे और इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करेंगे. फिगर 52.9 को आपने देख लेना है एमसीक्यूज के लिए. इसमें बेसिकली स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं, ये ओएसपी में भी आपको दिया जा सकता है. नेक्स्ट है फिर हमारे पास इसकी पैथोजेनेसिस. पैथोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी की पूरी आपने अच्छे से याद करनी है. इसका लाइफ साइकिल आपको आना चाहिए, स्लीपिंग सिकनेस का पूरा एपिडेमियोलॉजी आप नहीं करेंगे. इसकी पैथोजेनेसिस बेसिकली आपको एससीक्यू में दी जाती है. क्लिनिकल फाइंडिंग्स भी आपको एससीक्यू में दिए जा सकते हैं. सारे आपने इसके नेम्स याद करने हैं और इसकी पैथोलॉजी पीछे आपको पता होनी चाहिए, ताकि अगर वाइवा में पूछें तो आप बता सकें. फिर है स्लीपिंग सिकनेस का लाइफ साइकिल, ये आपको ड्रॉ करना और लेबल करना आना चाहिए अच्छे से. इसकी डायग्राम्स भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको ओएसपी में भी दिया जा सकता है ये लाइफ साइकिल. ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन आपने नहीं करना. लैब डायग्नोसिस को आप पूरा का पूरा करेंगे, क्योंकि इसमें से एमसीक्यू पूछे जाते हैं, ठीक है. उसके बाद आपका आ जाती है लिशमेनिया. लिशमेनिया एक बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यू है, ठीक है. इसका लाइफ साइकिल बहुत बार पूछा जाता है. प्लाज्मोडियम के बाद सबसे इंपॉर्टेंट एससीक्यू जो है वो लिशमेनिया है. बाकी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन लिशमेनिया बहुत पूछा जाता है. मेनली लिशमेनिया डोनोवरी. इसकी पैथोजेनेसिस आपने पूरी की पूरी अच्छे से करनी है. कालाजर के बारे में आपसे वाइवा में भी पूछा जाता है, ठीक है. क्लिनिकल फाइंडिंग्स के सारे नेम्स अच्छे से करेंगे. इसकी पैथोलॉजी को आपने अंडरस्टैंड करना है. लैब डायग्नोसिस सारा आपने रीड आउट करना है. इसके नेम्स याद करने हैं. आपको एमसीक्यू के लिए पता होना चाहिए कि टच प्रिपरेशन इसमें हम करते हैं. ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन आप नहीं करेंगे. फिर आपके पास है लिशमेनिया का लाइफ साइकिल, ये आपको ड्रॉ और लेबल बहुत अच्छे से करना आना चाहिए, ठीक है. ये आपको आता होता है बकायदा एससीक्यू में, और इसके सारे स्ट्रक्चर्स भी आपको पता होने चाहिए. ये अगर आप छोटी छोटी डायग्राम्स आप फ्लो चार्ट के साथ छोटी छोटी डायग्राम्स बना देंगे तो आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स दिए जा सकते हैं. इसके अलावा आपको डायग्राम से याद करने में भी आसानी रहेगी, इसलिए आपने इसको अच्छे से देखना है और इसको अपने माइंड में रखना है, क्योंकि ये ओएसपी में भी दिया जा सकता है. फिर है नेक्स्ट आपके पास लिशमेनिया ट्रॉपिका और लिशमेनिया मैक्सिकेना एंड लिशमेनिया ब्रेजिलियंसिस. ये बेसिकली मोस्टली एमसीक्यूज में आता है, लेकिन कभी एससीक्यू में भी दिया जा सकता है. इसको पूरा आप अच्छे से रीड आउट करें, ठीक है. इसके सारे इंपॉर्टेंट बोल्ड वर्ड्स जो हैं उनको आप समझें. पैथोजेनेसिस आपको इसकी अच्छे से पता होनी चाहिए. ग्रैनुलोमेटस रिस्पॉन्स आता है इसमें, ये पूछा जाता है आपसे वाइवा में भी. क्लिनिकल फाइंडिंग्स के सारे नेम्स आपने अच्छे तरीके से करने हैं. इसकी पैथोलॉजी आपने अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है. ये एमसीक्यू में बहुत पूछा जाता है. लैब डायग्नोसिस में एक एमसीक्यू आता है एमस्टिगोस का, ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें एमस्टिगोस हमें नजर आते हैं. ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन इसमें नहीं करना. दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. थैंक यू सो मच. Medical Globe brings you the solution to your problems, the problems you face during your professional exams. Yes, we are introducing MBBS Cracks. This book contains chapter-wise important topics, solved past university questions are given in this book, chapter pulls are given to help you ace your MCQs exams. Besides this, forensic summaries are added and important pictures from Big Robins and OSPI pictures in high resolution are added to help you ace your OSPI exams.
exams. Besides this series for SCQ and OSPI, MCQs Cracks has also been introduced. This book contains MCQs not only from UHS but also from several other universities. So what are you waiting for? Get your book ordered online at a given number, that is 0335 663 007, and I promise you that you won't regret purchasing this.